हेलो एवरीवन, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें गैप डाउन या बाय चांस गैप अप भी देखने को मिल सकता है। दोनों ही केसेस में देखें तो बैंक निफ्टी ने एक रेंज के अंदर काम किया, तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही बैठे होंगे। बायर थोड़े कम आए होंगे एज कम्पेयर टू सेलर के, क्योंकि मार्केट ने नेगेटिव में क्लोजिंग किया है। नॉर्मल अगर मार्केट होता तो हम क्या करते, सेलर को टारगेट करते, लेकिन ये नॉर्मल मार्केट नहीं है। इसमें क्या होता है, ट्रैपिंग ज़्यादा हो रहा है, काम कम हो रहा है। तो इसमें अगर छोटा मोटा अपसाइड का वगैरह मोमेंटम आता है तब तक हम सेलिंग का ही प्लान मार्केट के अंदर रखेंगे। अगर आपको बाय वगैरह करना है तो 46,000 का ब्रेकआउट वगैरह का वेट करना, उसके बाद इस प्रकार का प्लान बनाया जा सकता है। अगर हमें एक गैप अप देखने को मिलता है रेजिस्टेंस वगैरह के नीचे, हम सेलिंग का ही प्लान रखेंगे। अगर रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर जा रहे हैं तो हम सेलिंग को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और अगर अच्छा मोमेंटम है तो मे बी बाइंग वगैरह में काम किया जा सकता है। 46,240 46,700 के आसपास रेजिस्टेंस अवेलेबल हो सकते हैं। अगर ब्रेकआउट वगैरह हो सकता है तो अपना 46,500 या रेजिस्टेंस तक भी मार्केट जा सकता है। हम गैप डाउन में अगर हम सेलिंग वगैरह करेंगे तो अपना मिनिमम अपना जो लोअर पॉइंट है उसका टारगेट रख सकते हैं, या फिर 45,500 तक हम जा सकते हैं। 45,400 45,750 के आसपास मार्केट ने दो सपोर्ट बना रखे हैं। बहुत बड़ा गैप डाउन तो अच्छा नहीं रहेगा। निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सेलर बैठे होंगे अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे। अगर हमें गैप डाउन वगैरह देखने को मिलता है, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट तक तो होता है, तो वहाँ पे हम सेलिंग का प्लान रख सकते हैं। अगर हमें गैप अप वगैरह देखने को मिलता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, मार्केट के अंदर अगर रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर काम करें तो बाय वगैरह प्लान रख सकते हैं, अदरवाइज के नीचे नीचे हम सेलिंग का प्लान रखेंगे। आपके लिए 21,950 22,070 के आसपास रेजिस्टेंस अवेलेबल हो सकता है। 21,660 21,530 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट बना रखे हैं। फर्दर आप मोमेंटम वगैरह को देखकर डिसीजन बना सकते हो। बहुत बड़ा गैप डाउन या बहुत बड़ा गैप है तो हमारे लिए ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। धन्यवाद।